और तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बस स्नैपचैट ऐप को यूज़ करके बिल्कुल नए तरीके से कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो आप भी स्नैपचैट को यूज़ करके ऐसा फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों आपको सबसे पहले स्नैपचैट ऐप को ओपन करना पड़ेगा जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर टच कर देना है, फिर आपको जिस फोटो को भी एडिट करना है उस फोटो को आपको टच करना है। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार का फोटो को ऐड कर लिया। इसके बाद आपको टूल्स वाले आइकन पर टच करना है, फिर आपको यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है। इसके बाद आपको नेचुरल इसको रखना है और आपको राइट वाले को टच कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको ऊपर की ओर बॉक्स का आइकन दिख रहा है इस पर टच करना है, फिर आपको व्यू एडिट पे टच कर देना है, फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट और यहाँ पर आपको ब्रश वाले पे टच सिलेक्ट कर लो इसको। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको इन्वर्ट का एक आइकन दिख रहा है इस पर टच कर दो और अपने फेस पर से इसको रिमूव कर दो। इतना हो जाने के बाद आपको राइट वाले को टच कर देना है, फिर आपको थोड़ा बेक लेना है, फिर आपको फिर से टूल्स वाले पे जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्टिव का एक आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है। फिर आपको अपने फोटोज़ पे जो भी हमारा फेस पे ब्लैक एरिया है उस एरिया पे आपको इसको ऐड कर देना है और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके इसको अप्लाई कर देना है और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर देना है और सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर दो। तब देख सकते हो वो एरिया वाइट हो चुका है। तो आपका फेस पर जो भी एरिया ब्लैक है उस एरिया को आपको सिलेक्ट करके इस प्रकार से आपको इस पर सेट कर देना है। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद आपको राइट वाले को टच कर देना है। तब देख सकते हो हमारा फोटो आफ्टर और बिफोर एकदम बढ़िया तरीके से हमारा फोटो वाइट हो चुका है। इसके बाद आपको टूल्स वाले पे जाना है और यहाँ पर आपको एक लेंस ब्लर का आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है, फिर कुछ इस टाइप का गोल टाइप का आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक गोल वाला आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है और आपको ऐसी लाइन आ जाएगी जिसको थोड़ा छोटा करके हेयर पे इसको रख देना है और आपको इसको थोड़ा कम कर देना है ब्लर को, बस आपको 9 तक रखना है। इसके बाद आपको राइट वाले को टच कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको ऊपर की ओर बॉक्स दिख रहा है इस पर टच करना है, फिर आपको व्यू एडिट पर जाना है और यहाँ पर आपको लेंस ब्लर पर आना है और यहाँ पर आपको ब्रश वाले को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फोटो को जूम करके फेस पर इसको अप्लाई कर दोगे। तब देख सकते हो हमारा फेस स्मूथ एकदम से बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट फेस पे इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा फेस स्मूथ भी हो चुका है। इसके बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है, फिर आपको थोड़ा बेक लेना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से टूल्स पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ट्यून इमेज का एक आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है, फिर आपको थोड़ा ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है और स्क्रॉल करोगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट आएगा तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है। इतना हो जाने के बाद सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर देना है इसको। इतना हो जाने के बाद एम्बिनियंस को भी थोड़ा कम कर दो और हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा देना है। इतना हो जाने के बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है। इसके बाद आपको टूल्स वाले पे जाना है और यहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एड फोटोज पे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक कलर को ऐड करना पड़ेगा वो रेड कलर है। इसके बाद आपको ये मोबाइल वाला आइकन दिख रहा है इस पर टच कर देना है, फिर आपको इसको ओवरऑल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है ओपीसीटी का, इस पर टच कर दो और ओपीसीटी को थोड़ा कम कर देना है। अपने लिप्स को जितना भी रेड रखना है उतना आपको इसको सिलेक्ट रख देना है। इसके बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको ऊपर की ओर बॉक्स दिख रहा है इस पर टच करना है, फिर आपको व्यू एडिट पे जाना है और यहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर और ब्रश वाले के सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फोटोज पर इसको अप्लाई कर देना है। तब देख सकते हो हमारे होंठ एकदम से रेड भी हो चुके हैं। इसके बाद आपको राइट वाले पे टच कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको थोड़ा बेक लेना है। तब देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा फोटो एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट वाले पे और यहाँ पर आपको सेव टू इमेज पे कर देना है, मतलब कि सेव पे इसको सिलेक्ट कर देना है।
तो ये हमारा फोटो सेव हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।